1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और बन गई एक बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वे पुअर डेड कहा करते थे यानी गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते हैं और उन्हें वे कहते हैं रिच डेड। उनके जो रियल फादर है वो काफी पढ़े लिखे हैं, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहा और यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डेड कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर इनके जो मुंह बोले पिता हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक कामयाब इंसान है, और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे तो स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी, और इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन उनके जो रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता से इसका जवाब पूछो क्योंकि वो तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं, और वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं, और इसी के साथ इस बुक में वो कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि पैसों को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, पैसों को काम पर कैसे लगाएं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि अगर गरीब इंसान भी इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करे तो वो भी जल्दी से अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। तो नंबर 1 यहाँ पर आता है कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि हर महीने उन्हें अच्छी सैलरी मिलती रहे, और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ अपनी जॉब पर जाते हैं, और इसी के साथ वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं। और कई सारे लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में एक रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है, और इसी वजह से वो लोन पर बड़ा घर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ें लोन पर ली है आपको उनका लोन भी पे करना है, और उस लोन को पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी, और आपकी नौकरी से जो भी अमाउंट आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन पे करने में ही चला जाएगा। और इसी तरह से कई सारे लोगों की जिंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में ही निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो क्या करें। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। और वो क्या ऐसा करते हैं, इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल ही जाएगा। लेसन नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो, पर सच्चाई यह है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई भी इंसान बहुत पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 की नौकरी के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। और इसी 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताया है। एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटीज उन सब चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अपने किसी घर को रेंट पर दिया है तो उसे हम कहते हैं एसेट्स, क्योंकि वो अगर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक न्यू कार लोन पर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप एसेट्स खरीदें और लाइबिलिटीज को जितना हो सके उतना कम करें। और ये सब बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ आपको अच्छी जॉब को हासिल करने के बारे में ही सिखाया जाता है, ये कभी भी नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसों को ग्रो कैसे कराया जाए। और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ही जरूरी है। 3rd लेसन है कि अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने बताया है कि एक आम सी जॉब करने वाला इंसान कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना कोई भी पसंदीदा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। उसका अपना काम वो होगा जो वो खुद शुरू करेगा। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर क्रोक MBA के स्टूडेंट की क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान क्रोक ने वहां पर मौजूद स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं क्या बिजनेस करता हूं? तो सभी स्टूडेंट ने यही कहा कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। और ये जवाब सुनकर क्रोक को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज खरीदना चाहता है तो फिर उसे उस जमीन की खरीदारी भी करनी पड़ती है। तो माना रियल एस्टेट बिजनेस, और आप खुद देख लो आज पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। तो रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाते हैं कि कैसे आज ज्यादातर लोग बाकी सबके लिए तो काम करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना फोकस खुद पर भी करें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। वो तो ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ आप अपने एसेट वाले पहलू को भी मजबूत करने पर फोकस करें। नेक्स्ट लेसन यहाँ पर आता है कि सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था,
और उसने उन्हें यह बताया कि उनका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला के लिखने का तरीका काफी अच्छा था और रॉबर्ट ने उसके कई सारे लेख पढ़े भी थे, तो इसलिए रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की राय दी। लेकिन ये सुनकर वो महिला नाराज हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके पास में इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी, और उसके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी हुई है, लेकिन पॉइंट यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती, आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस टैलेंट को कैसे बुना सकते हो, और जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उसी लड़की की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वो महिला सेल्स की ट्रेनिंग सीख ले तो हो सकता है कि वो महिला आने वाले टाइम में बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए, लेकिन वो नहीं सीखती है और इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं और सीख करके अमीर और अमीर बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी, लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो सीखने पर ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि अमीर बनने के लिए जिंदगी में कई सारी चीजें सीखनी पड़ती है, और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क था। लेसन नंबर 6, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में ये भी बताते हैं कि कई सारे लोगों को पैसे की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी उनके रास्ते में कई सारी ऐसी रुकावटें और बाधाएं आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने एसेट्स को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते। और रॉबर्ट ने 5 ऑब्स्टेकल बताए हैं। पहला है डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो उसे पैसों का नुकसान तो बुरा लगता ही है। पैसे को गंवाने का डर अमीर को भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसे का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से निपटा कैसे जाए। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने फेलियर को किस तरह से लेते हो। अमीर और गरीब के बीच में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो अपनी असफलता का मुकाबला किस तरह से करते हैं। सेकंड जो ऑब्स्टेकल है वो है डाउट। पैसे को इन्वेस्ट करते समय हम सबके मन में डाउट होता है जो कि हमें जाम कर देता है। हर किसी के मन में सवाल होता है कि अगर मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ मेरे बनाए गए प्लान के हिसाब से ना हुआ तो। इस तरह के सवाल और डाउट से हम हमेशा डर जाते हैं और जिस भी काम को करने का सोचते हैं उसे शुरू ही नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह से हजारों मौके हमारी आंखों के सामने से गुजर कर चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। तीसरा ऑब्स्टेकल है आलस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं असल में वही लोग सबसे ज्यादा आलसी भी होते हैं। जिंदगी में हर टाइम पैसों के लिए काम करने वाले लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि किसी भी चीज की अति गलत होती है। और अभी रिसेंटली आलस को दूर करने पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखें। चौथा ऑब्स्टेकल है बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर दो लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। साथ ही रॉबर्ट ये कहते हैं कि वो सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं और इसी वजह से वो खुद को फाइनेंशियली और इमोशनली ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि हर महीने जब आपके पास में पैसे आते हैं तो सबसे पहले अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पैसों को अलग कर दें और उसके बाद अपने बिल्स वगैरह चुकाएं। तो अगर अमीर बनने की ख्वाहिश आपके मन में है तो ये आदत आपको डालनी ही पड़ेगी, भले ही हर महीने आपके पास कम ही पैसा क्यों ना आए। तो पहले खुद को पे करो और उसके बाद में दूसरे काम करो, और इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और दूसरा आपके सामने कमाई के कई सारे अवसर आएंगे और आप उनका फायदा भी उठा सकेंगे। फिफ्थ ऑब्स्टेकल है अहंकार यानी ईगो। रिच डैड यह भी कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत ही ज्यादा होता है और इसका यूज वो अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं उसी की बदौलत पैसे बनाने में कामयाब होता हूँ, और जो चीजें मैं नहीं जानता उनकी वजह से मैं अपने पैसों को गवा देता हूँ। इसलिए अगर किसी चीज की जानकारी आपको अच्छे से नहीं है तो अपनी ईगो को साइड में रखकर उस चीज को अच्छे से सीखें। अगर आप ये करते हो तो आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। चलिए अब हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि रॉबर्ट के दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता, और अपनी 30 साल की लाइफ में उन्होंने अपने रिच डैड से जो कुछ भी सीखा वो उन्होंने अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताया है। तो नंबर 1 लेसन था अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। नंबर 2 था लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है। और इस पॉइंट में हमने बात की थी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने पड़ेंगे और लाइबिलिटीज को कम करना पड़ेगा। लेसन नंबर 3 अपने काम से काम रखो। लेसन नंबर 4 सीखने के लिए काम करें पैसों के लिए नहीं। और लास्ट पॉइंट था रुकावट और बाधाओं को पार करना। और इस पॉइंट में रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 ऐसे ऑब्स्टिकल बताए थे जिसकी वजह से आप अपने एसेट्स को बड़ा नहीं कर पाते, और वो 5 ऑब्स्टिकल कुछ इस तरह: डर, डाउट्स, आलस, बुरी आदतें और ईगो। और दोस्तों मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप सबको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।